नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर से और जानेंगे कीवी के बारे में कि किस तरह से हम लाखों का बिजनेस कर सकते हैं अपने घरों में ही बैठ के और आराम से। मतलब पूरी जानकारी लेंगे हम आज सर से। तो सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाल कलर का बटन जो नीचे दिया गया है उस पर क्लिक कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो चलिए आइए आपको मिलाते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप आज हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? मैं कीवी के बारे में जो है आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए कीवी का पौधा और ये जो है इस वक्त इसमें जो कीवी लगी है इसका नाम भी हम बता देते हैं आपको। इसका नाम है हेलिसन। सर, कितने पौधे आपने इस खेत में लगाए हैं? इस वक्त हमने जो है कम से कम 100 पौधा लगाया है और अभी जो है इस पौधा में जो है लगे हुए जो है सिर्फ 3 साल हुए हैं। तीसरा साल में ही जो इसमें सैंपल आया है। तो सर, कितने फुट पे हम एक पौधा, मतलब इन पौधों की कितनी दूरी रखनी उचित रहेगी हमारे लिए अगर हम घर पे लगाते हैं? पौधे की दूरी जो है 5 मीटर जो है दूरी है और 5 मीटर दूरी ही रखनी पड़ेगी और चौड़ाई जो है इसकी 4 मीटर दूरी रहेगी। तो सर, हम इसे लोकल मंडी में बेच सकते हैं क्या? हाँ, इसको आप मंडी में भी बेच सकते हैं और फैक्ट्रियों में भी बेच सकते हैं। तो हमारे जो दर्शक है उनके मन में ये सवाल होता है कि हम बगीचा तो लगा लें और जंगल का एरिया भी होता है तो वहाँ पे जैसे जंगली जानवर होते हैं, गोली बांदर और जंगली पशु भी होते हैं, तो उनसे क्या खतरा है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि जो जंगली जितने भी जानवर है और डंगर भी जो है इसको नहीं खाते और ना जो जानवर जो है जैसे लंगूर होते हैं वो नहीं इसको जो है मतलब खाते, क्योंकि इसमें रूम जो एक ये रूम जो है हमने बताई है पहले भी आपको, ये रूम जो इतनी है उनको जो ये लगती है, इसलिए जो है वो बंदर भी इसको नहीं खाते। तो मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि आप दिखा दें एक बार ये छोटी सी रूम जो होती है इसमें, तो आप प्लीज आप आगे आके कैप्चर कर लें। तो इसकी वजह से नहीं खा पाते जंगली जानवर इसे। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हम आपको आगे भी ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपके अभी नॉलेज में आए